Assalamu alaikum, and we are back again with yet another interesting recipe. It's a kids friendly recipe. Hum flour ko lenge aur halka sa aapne sprinkle kiya apni plate pe jis pe aapne is pizza ko assembly karna hai. Aur iske liye hame chahiye hoga puff pastry. पेस्ट्री को मैंने काट लिया है स्क्वायर्स के अंदर. यू कैन ईजिली कट इट विद स्क्वायर कटर्स. इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जो इसकी विड्थ है और जो इसकी डायमेंशन है और जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, स्पेशली इन केस ऑफ डेप्थ. नाउ वी आर गोइंग टू यूज मैरिनारा सॉस एंड स्प्रेड ऑल ओवर. Now we are going to add some shredded mozzarella cheese, parsley capsicum, some onions. Now I'm going to add some marinated and cooked chicken. चिकन के लिए आपके पास बेशुमार ऑप्शंस हैं. आप इसको टिक्का फ्लेवर दे सकते हो, बारबेक्यू फ्लेवर दे सकते हो. आजकल पेरी फ्लेवर्स बहुत चल रहे हैं, सो यू कैन इवन डू अ फाइदा फ्लेवर टू. और अब बारी है ब्लैक ऑलिव्स की. Make sure not to fill that much jalapenos. अब हम बीट करेंगे एग को जस्ट लाइटली. एंड विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश इसके एजेस को लगाएंगे ब्रश के साथ. अच्छे से क्रीम करेंगे ताकि जो हमने फिलिंग की है वो इसके अंदर से ना निकले. जितनी आपकी पफ पेस्ट्री ठंडी होगी उसका उतना बेहतर रिजल्ट आएगा. जस्ट पोर अ लिटल ऑन योर ट्रे एंड ब्रश इट प्रॉपरली. व्हेनेवर यू यूज पफ पेस्ट्री इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट दैट यू एग वॉश इट जस्ट बिफोर बेकिंग. So we will going to bake it at 180 degrees in our Franke oven, both the grills on for 20 minutes.